हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे समोसा। समोसा बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 10 आलू और इसे हमने बॉईल कर लिया है और इसका छिलका निकाल लिया है। बारीक कट किया हुआ धनिया, आमचूर पाउडर, लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट, करी पत्ता, गरम मसाला और नमक, और इसे हम मैश कर लेंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है। स्टफिंग बनाने के लिए हमने कढ़ाई गैस पर रख दिया है और अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, और यह चटक चुका है तो अभी इसमें हम डाल देंगे करी पत्ता। 8-10 करी पत्ता हमने डाला है और अभी इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट और इसे हम 1 सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे। मैश किया हुआ आलू और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम 5 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और अभी इसमें हम डाल देंगे बारीक कट किया हुआ धनिया और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और 2-3 मिनट के लिए इसे हम स्लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं और अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब तक हमारा स्टफिंग जो है वो ठंडा हो रहा है तो हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने बाउल ले लिया है और अभी इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी मैदा, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से अच्छे तरीके से क्रश करके डालेंगे और अभी इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आपको ज्यादा नहीं डालना है, नमक आपको कम ही डालना है क्योंकि हमने स्टफिंग बनाते टाइम भी नमक डाला है। और अभी इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल हम मोयम के लिए डाल रहे हैं ताकि हमारा जो समोसा है वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा। और इसे हम हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और एक बाइंडिंग तैयार होना चाहिए। बाइंडिंग हमारा तैयार हो रहा है, इसका मतलब जो हमने तेल डाला है मोयम के लिए वो परफेक्ट है समोसा बनाने के लिए। और अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और डो जो है वो तैयार कर लेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और डो तैयार कर लेना है। आटा हमने लगा लिया है तो इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और स्टफिंग जो है वो ठंडा हो चुका है तो हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हमने सारे बॉल्स जो है वो बनाकर तैयार कर लिया है। 10 मिनट हो चुके हैं और आटा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है तो इसे हम एक बार हाथों से अच्छे तरीके से मसल लेंगे। और इसे हम 5 हिस्सों में तोड़ लेंगे। इसे हमने 5 हिस्सों में तोड़ लिया है और पहला हिस्सा हमें उठाकर रोटी की तरह बेल लेना है। आप रोटी बनाते हो उसी तरीके से आपको बेलकर तैयार करना है।
को इतना मोटा रखना है। और अभी इसे हम बीच में से कट कर लेंगे और चारों ओर हमें पानी लगा लेना है। और अभी इसमें हम डालेंगे स्टफिंग और इस तरीके से आपको बराबर से चिपका लेना है। और दूसरी बाजू से भी आपको इसी तरीके से चिपका लेना है। आपको दोनों बाजू से अच्छी तरीके से चिपका लेना है, नहीं तो जब भी आप फ्राई करोगे तो ये तेल में जाकर खुल जाएगा। सारे समोसे हमने बनाकर तैयार कर लिया है, तो अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल हमने रखा था गैस पर गर्म होने के लिए। अभी हम थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लेंगे कि हमारा तेल जो है वो गर्म हुआ है कि नहीं, और तेल जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अभी हम गैस का फ्लेम स्लो मीडियम पे कर लेंगे और एक एक करके सारे समोसे हमें डाल देने हैं फ्राई होने के लिए। ये एक साइड सिक चुका है, तो इसे हम दूसरी साइड पलट लेंगे। इसे उलट पलट कर आपको दोनों साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि समोसा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप हरी चटनी के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।